रेल से 3000 किलोमीटर दूर है, भारत की राजधानी में है। उस भारत की राजधानी में जो भारत कानून से चलता है, जो भारत के संविधान से चलता है, उस कानून के मुल्क में कानून की धज्जियां अगर किसने उड़ती हुई देखी है तो यहाँ पर आजाद मस्जिद पर, और ये देखिए 12 एकड़ जमीन को किस तरह से भारत की सरकार ने कब्जा करवाया है, बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से। कोई ऑर्डर नहीं उनके पास में कब्जा करने का, कोई ऑर्डर नहीं उनके पास में उस कब्रिस्तान को खाली करवाने का, आज तक की कोई ऑर्डर नहीं उनके पास में कब्रों को तोड़ने का। किस तरह से हमारी कब्रों से, उन कब्रों से हमारे बुजुर्गों की लाशों को निकाल निकाल के इन लोगों ने फेंका होगा, सोचो सबको बताइए। उन लोगों की लाशों को जो लोग जंग आजादी में शहीद हुए उनकी कब्रें यहाँ पर है, किस तरह से उनकी लाशों को निकाल निकाल के फेंका होगा। हमें तो इजाजत नहीं है किसी को भी वहाँ जाने की, क्योंकि यहाँ पर मल्टी स्टोरी पार्किंग भी ये लोग बना रहे हैं, फ्लैट बना रहे हैं, तो जाहिर है बहुत गहरी की गई होगी, तमाम लाशें भी वहाँ से निकाल के फेंकी होंगी। वो लाशें कहाँ फेंकी निकाल के, क्या हमारा हक नहीं है ये बात जानने का? मगर हमारा हक है ये बात जानने का, और बिल्कुल है कि वो लाशें आपने कहाँ फेंकी, सामने कब्रिस्तान है, आपने उनकी बेहरमती तो नहीं करी, आपने बताइए उनको कहाँ पर फेंका, कहाँ पर आपने फेंका। और मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि पूछिए भारत की सरकार से, अगर आप लोग नहीं पूछेंगे तो आज इलाक मस्जिद में कब्रिस्तान है, अगर आप बेफिक्र रहिए आपके अपने कब्रिस्तानों के साथ भी यही होने जा रहा है, क्योंकि इंशाल्लाह होने नहीं देंगे। यहाँ हो गया इसलिए कि यहाँ पर वो लोग ऑलरेडी कब्जा कर चुके थे, हम लोग बाद में यहाँ पर पहुँचे, लेकिन जब हम लोग पहुंचे तो अल्लाह का शुक्र हमने उसकी बात नहीं होने दिया, इंशाल्लाह होने नहीं देंगे। लेकिन अगर आप लोग नहीं जागे तो उनकी कोशिशें लगातार बढ़ती रहेंगी, और फिर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आज की डेट में आप सिर्फ इतना कर सकते हो कि अपने हकों के लिए जाग जाइए, इस मस्जिद में खुदा रहा करके नमाज पढ़नी शुरू कर दीजिए, जो कि आपका हक है। इस मस्जिद की हिफाजत करना आपका हक है, तमाम मस्जिदों की हिफाजत करना आपका हक है। तो मुझे उम्मीद आप सबसे ये है कि जो भी भाई मेरी बात सुने, लाल मस्जिद जो कि सीजीओ कॉम्प्लेक्स के बैक साइड में और पंच पीरान कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने स्थित है, पूरे कब्रिस्तान को कब्जा कर लिया, तोड़ दिया, और इसको भी तोड़ने के लिए परसों यहाँ पर इनके पास में खुद यहाँ पर पुलिस आई है, यहाँ के इमाम साहब के पास पुलिस आई है, उन्होंने कहा खाली करके हम तोड़ेंगे। तो अगर आप लोग नहीं जागे तो वो लोग अपनी कोशिशें करना शुरू कर देंगे, और हम साथ में काम करते हैं वक्फ बोर्ड से भी। जब वक्फ बोर्ड ये मानता है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, जब वक्फ बोर्ड ने अपना बोर्ड लगाया है वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, तो फिर किसी की हिम्मत आखिर हो कैसे जाती है कि यहाँ पर कोई भी आके कहे कि साहब हमारी ज़मीन है ये, क्यों आप FIR नहीं करवाते? जब पिछली बार कब्रिस्तान को कब्जा किया गया आपने तब भी FIR नहीं करवाई, और आप आज भी FIR नहीं करवा रहे हैं लोगों के खिलाफ। अरे कानून सबके लिए है, कानून में चाहे कितने भी बड़ा अफसर क्यों ना हो, वो अगर गलती कर रहा है, कानून का उल्लंघन कर रहा है, उसके लिए FIR होनी चाहिए। तो हम वक्फ बोर्ड से ही मांग करते हैं कि इसमें आप FIR करवाइए, वरना फिर आपको एक्सपोज करने का काम ये तमाम आवाम करेगी कि आप भी उन्हीं लोगों के साथ चट्टी बन करके बैठे हुए जो लोग मस्जिद पर शहीद करना चाहते हो, कोई फ़र्क नहीं है आपको इन चट्टीधारियों में। तो खुदा रहा जाग चाहिए, और अपने कलम को उठाइए, अपनी ताकत को पहचानिए, और जो इन लोगों के खिलाफ FIR करने का ऑर्डर करिए, और ये सुनिश्चित करें कि यहाँ पर कोई भी आदमी ना आए, ना मस्जिद को तोड़ने की सोचकर या इस मस्जिद को खाली करवाने की सोचकर, वरना इंशाल्लाह हम ऐसा होने नहीं देंगे, और फिर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। कल सच्चो साहब आए, नियामुद्दीन के सच्चो साहब आए, दो जने थे गाड़ी के अंदर, उन्होंने मेरे को बुलाकर पूछा कि इमाम साहब कहाँ हैं। मैंने कहा इमाम साहब तो नमाज के टाइम आते हैं, तो फिर वो बोले, मैंने कहा बताइए क्या काम है, फिर वो बोले कि तुम्हारा नाम क्या है, मैंने कहा मेरा नाम तौलीन है, वो बोले कितने साल हो गए, मैंने कहा 40 साल हो गए मेरे को यहाँ पर खिदमत करते हुए, कह रहे फिर वो बोलते ये मस्जिद कितनी पुरानी होगी, मैंने ये मुंगलियों टाइम की मस्जिद है, हमारे बाप दादाओं की 45 मिली जब की मस्जिद है, मुझे तो 40 साल हो गए देखते हुए, मैं तो यहाँ खिदमत करता हूँ। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला ये मस्जिद टूटेगी, मैंने ये मस्जिद तोड़ेंगे, मैंने कि कहाँ से टूटेगी कौन सा मेरा, तो उन्होंने बोला पूरी टूटेगी, तो कह के वो चले गए। फिर इमाम साहब हमारे जो वो थाने गए, तो इमाम साहब से उन्होंने थाने में बात करी, और वो इमाम साहब बताएंगे आपको क्या बात करें। आप पहचानते हैं निजामुद्दीन कैसे? हाँ सच्चों को पहचानता हूँ, तकड़ा सा है, गोरे से हैं, उनको मैं पहचान लूँगा, 10,000 में भी पहचान लूँगा, मैं आदमी को भूलता नहीं हूँ, मैं एक बार देख लेता हूँ फिर कभी नहीं भूलता मैं।